जाएगा तो मैं मेरा बाइक चलाना चाहूँगा। एक अरे अंदर का अंदर क्या करना है हमको। अरे हिलो मत हिलो मत हिलो मत। अरे तू पूरा बीच में घुस जाएगा क्या? पूरा घुस जाएगा, पूरा हटेगा नहीं? एंडिंग इज फुल मतलब। शिट यार मुझे मिल ही नहीं रहा अंकल। और कौन सा एक्टर है? और कौन एक्टर है? अभी से रणवीर है। अभी रणवीर इधर आया। Up, up, up,
वो नजदीक नहीं आएगा क्या? हाँ? नजदीक नहीं आएगा? नहीं, यूज़ इट? आई मीन क्लोज, बहुत वाइड है. एक किक भी मार लेगा ना रणवीर. एक सेकंड, रणवीर के पास से बॉल जा ही नहीं रहा. हाँ नहीं सर, अब आसे कर देख सकते. एक सेकंड साइड, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको जितना पगार उतना काम करो. लास्ट टाइम भी हार गई थी इसकी टीम, पर ये टाइम भी हार गया तो बाइक और फोटोज मिलने से रहे. लास्ट टाइम वो चिढ़ गया था. भगवान से दुआ करो जीत जाए. एक टच कर लेगा तो बस हो गया. वहाँ पर बॉल ही नहीं जा रही है, उसके हाथ में कोई दे ही नहीं रहा है. वो ले रहे हैं. एक बॉल उसके पास भेजो यार. अरे यार शिट. सिर्फ भूत को बोला ना, जानबूझ के एक बॉल मैच चालू है. कैसा बोलेंगे वो बॉल को हिट करते हुए. चलो थोड़ा डिफरेंट, चलो रोल है सबका, रोल. ओके देखिए भाई, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि फुटबॉल के कितने क्रेजी हैं आप. हमें पता है आपकी टीम है यहाँ पर. यस शायद आप खेलेंगे तो कितना पसंद करते हैं फुटबॉल खेलना. मैं बहुत बहुत पसंद करता हूँ, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है. दो क्रिकेट इज माय फर्स्ट लव, but I really really like football. My most favorite team is Manchester United. बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये sport इतना ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये जो community building roots Premier League ने करी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, because this is all about you know players who also working in day to day lives, women, men, and they come and they play. और वो जो brotherhood है जो roots Premier League ने इधर बनाया है, I think that's great. एंड हमने कसरत में बहुत काम किया है, आदित्य ठाकरे जी के साथ काम किया है हमने, बीच क्लीनिंग में काम किया हमने, अफरोज शाह जी के साथ अंधेरी में काम किया है. सो मुझे लगा कि दिस इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर कसरत टू एसोसिएट विद स्पोर्ट एंड यू नो प्ले माई सेल्फ एंड ऑल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू प्ले एंड हैव अ गुड टाइम.
ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस कसरत के साथ में फुटबॉल का, आपने एसोसिएट किया, हमने देखा अभी तो शुरुआत है, ये सेकंड वीक है, बट आई थिंक आदित्य ठाकरे के साथ में आप कई सारे बीएमसी स्कूल में भी गए, हाँ जी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? आई थिंक बहुत अच्छा रहा है, ये एक इनिशिएटिव ओरिजिनली शुरू हुआ था बिकॉज मैं 140 किलो का था स्कूल में, और हमारे स्कूल्स में क्या होता है कि अनलेस इफ यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर इन स्कूल और एथलीट और क्रिकेटर, जनरली स्पोर्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, फिटनेस पे, तो मेरे को आइडिया वहाँ से आया बिकॉज मुझे भी स्कूल पे लोग बोलते थे 1, 2, 3, और आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनको इतना एक्सेस मिल गया बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इतने सारे एक्सरसाइजेज हैं, सो वहाँ से आइडिया शुरू हुई थी। फिर मुझे लगा कसरत का मतलब होता है वर्जिश, वर्जिश का मतलब होता है एक्टिविटी, तो मैं सिर्फ फिटनेस पे नहीं सीमित रहना चाहता, मुझे इसको स्पोर्ट पे ले जाना है, क्लीनिंग एक्टिविटी में ले जाना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ले जाना है, दैट्स हाउ रूट्स प्रीमियर लीग। इसके अलावा आपकी मुंबई T20 लीग में भी हमने देखा आपकी टीम अनाउंसमेंट, हाँ जी, जरा उसके बारे में आप बताइए कि रोहित शर्मा कैप्टन है, हाँ जी, हाँ, मतलब वो टीम है मेरी और हम हार गए आज, फाइनल्स तक, नेक्स्ट टाइम आई थिंक फाइनल्स तक नहीं पहुँचे। किसके साथ आनंद वाला क्या स्टेटस है ये जानना चाहिए, आई थिंक वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताएं सही तरीके से, बट वो मैं कहना चाहूँगा कि वो फिल्म आनंद नहीं है, इट्स अ ट्रिब्यूट टू आनंद, इट इज़ नॉट आनंद, आनंद फिल्म को कोई टच नहीं कर सकता और टच करना भी नहीं चाहिए, यू नो, एक इंस्पिरेशन होता है, एक ट्रिब्यूट होता है, तो मैं कहूँगा सही मायने में ये वो है। और दूसरी फिल्म मेरी फैंटम फिल्म्स के लिए जो आई थिंक जुलाई के आसपास आएगी, तो आई थिंक वो अनाउंस करेंगे। ये कैसी फिल्म होगी, मतलब रोमांटिक होगी, एक्शन, कौन सी डांस जो फैंटम के साथ में आपका एसोसिएट हुआ है, ये मतलब आने दो, ये आने दो, डांस देखने को मिलेगा या नहीं, इसमें आप वो आने दो ना, आने दो, बट आपको चाहिए कि मैं डांस करूं, क्योंकि हमने एक्चुअली मुझे भी लगता है मैं बहुत सालों से नाचा नहीं हूं, मतलब फिल्म में, जी बिल्कुल, वैसे तो बहुत लोग नचाते हैं मुझे, फिल्म में नहीं नाचा। मैं पूछता चाहूँगा सर, ये मेरे मित्र हैं सिद्धांत, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, बिफोर ही आस्क एनी क्वेश्चन, ये मेरा बचपन का दोस्त है, सो व्हाटएवर ही सेज नाउ डोंट टेक इट सीरियसली, है इनके पिताजी और मेरे पिताजी दोस्त हैं, और ये और मैं बचपन के दोस्त हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो धूप में आपने जो चश्मा पहना है, ये लाइट है ना सामने, वो ये जो माय आईज बिकम वेरी दिस, यू नो, एंड आई हैव एक्चुअली बीन रियली टायर्ड बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग एंड ट्रैवलिंग अ लॉट, सो जस्ट टू हाइड माय डार्क सर्कल्स, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट गाय, आई एम वेयरिंग माय सनग्लासेस, प्लीज कट, आई लव यू जैकी, ओके डन, कैमरा लुक फुटबॉल के कितने क्रेजी है, फुटबॉल मैं एक्चुअली पूरे रूट्स का जो है, रूट्स जो सेंटिनो, हरप्रीत और ये सारे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, डीनो, ये सारे वी आर ऑल लाइक अ फैमिली, तो मैं बोला चलो आज सबको मिलने जाते, काफ़ी दोस्त लोग भी खेल रहे मेरे, और मोहम्मद अली की टीम भी है जिसको मैं सपोर्ट काफ़ी करता हूँ, रूट्स को सपोर्ट करता हूँ, तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो क्राउड है, वी हैव द लेडीज़ प्लेइंग, वी हैव द मैन प्लेइंग, यू नो, इट्स इंस्पिरेशन टू द किड्स अराउंड जो यहाँ पर एंड्रूज में आते हैं, सब जगह पर आते हैं, कि स्पोर्ट्स बहुत एक अहम चीज़ है, यू नो, लाइफ के लिए, फिटनेस के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फुटबॉल जो इंडिया में भी बहुत ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज लीग्स दैट आर कमिंग इन दिस स्मॉलर टाइम्स, यू नो, सो अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी बिग नाउ फॉर द प्लेयर्स एंड किड्स एंड इवन एल्डर्स, यू नो, 40 प्लस एंड ऑल, एवरीवन गेट्स अ चांस टू प्ले, सो आई थिंक सपोर्ट इज़ नेसेसरी एंड या। पल्टन पल्टन आ रही है, बॉम्बेरिया आ रही है, काफ़ी अनाउंसमेंट्स भी आने वाले और नए, तो उसके लिए रुका हूँ मैं, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड 2018। पल्टन में वैसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता मैं, लेकिन जो हमारी कास्ट है, अर्जुन, सोनू, हर्षवर्धन, लव, गुरमीत, रोहित,
ये एक इंडिया चाइना की जो स्टोरी है 67 जो बोली गई नहीं थी, इट वाज नॉट एक्चुअली अ वॉर, इट वाज एक बैटल था जो वॉर के यू नो इट वाज नॉट लाइक मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल फाइटिंग, इट वाज अ स्मॉल आर्मी फ्रॉम बोथ द साइड्स यू नो, जहाँ इंडिया की जीत हुई और ये कहानी बाहर किसी ने बोली नहीं है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जे पी सर जो कम बैक कर रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद. हाँ उधर बैठा है, लास्ट में उधर बैठा है, नीचे ऐसा फाइव स्टार टांग लंबा करके बैठा है ना, उन्हें बोला दिख रहे क्या बाबा? अरे एकदम लास्ट में देख, लास्ट का आदमी बैठा है ना नीचे, देख टांग ऊपर करके, वही है इधर कौन है मेरे एलसीडी पे दिख रहे हैं? काम करना, ऐसा घूमते जाना पीछे. अरे ये रहा, खड़ा है रवि भाई, इधर खड़ा, ये देखो मेरे एलसीडी पे रवि भाई, इधर हाँ जाने नहीं दे रहा हूँ उसको देख अभी तक. समय कुछ बोल, समय से कुछ बोल ही नहीं पा रहे, समय कुछ बोलना चल रिकॉर्ड. Wow, wow, nice. जोश जोश चिल्लाएंगे फिर से. जोश शांति के बाद अरे सब मेरे बात.
हेलो भाई, वो ड्राइवर का नंबर मैसेज करना। हेलो हेलो, हाँ मिला मिला, अंदर अंदर हो रहा है। हेलो हाँ अंदर हो रहा है। Who? मुझे
No, you know what? Let it. I can't resist. Darling, I meant while I'm standing here, I have fallen into my face. Come on, right? Oh, my shakal. These guys are really hard. So, if you want to risk dying, you can go. You go again. I can't save, I can't, like, you know, risk her or her. ऐसा कर रहा है जैसे वहाँ आई जो पता नहीं वहाँ आपको अच्छा कर रहा है जैसे वहाँ क्या हो रहा है. Excuse me. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता.
इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।